हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कुक बुक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 आलू ले लेंगे, उसे अच्छे से छील लेंगे और पानी में अच्छे से धोएंगे। प्याज लेंगे, प्याज को छीलेंगे और बारीक काट के एक प्लेट में रखेंगे। अब फिर 1 किलो चिकन को अच्छे से धो लेंगे ताकि उसमें कुछ रह ना जाए। अच्छे से साफ करके उसे साइड में रख देंगे। अब हम प्याज, लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए हम उसे मिक्सी में डालेंगे, फिर हमारा पेस्ट तैयार है चिकन में डालने के लिए। तेल को ऐड करेंगे और उसमें उसे थोड़ा सा तेल को कढ़ाई के चारों ओर लगा लेंगे। फिर प्याज पत्ता देंगे, जीरा ऐड करेंगे, इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से थोड़ा पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी मैं स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे। जितने आपकी नमक की ज़रूरत है उस हिसाब से अपने स्वाद अनुसार नमक को ऐड करें और इसे इस मसाले में अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे पका लें। जब तक कि इसमें थोड़ा सा भूरे रंग का कलर ना हो। अब इसमें लहसुन 2-4 लहसुन के दाने को ऐड करेंगे ताकि मसाले में अच्छा फ्लेवर आए। अब इसमें हल्दी पाउडर को ऐड करें, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर ले और कुछ मिनट के लिए इसे भी पकाए। उसके बाद इसमें मिर्च पाउडर को ऐड करें। जितना आपको ज़रूरत है इस हिसाब से
मिर्च पाउडर को ऐड करें। अगर आपको स्पाइसी लेना है तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से मिर्च पाउडर को ऐड करें और अच्छे से मसालों में मिक्स करके कुछ मिनटों के लिए फिर से इसे पका लें, जब तक कि इसका रंग भूरा ना हो जाए। अब पिसा हुआ मसाले, चिकन मसाला, गरम मसाले को, पेस्ट को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन को ऐड करेंगे जो हमने धो के साइड में रखे थे, उसे अच्छे से मिक्स करके मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। अब हम इसमें अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट आलू को ऐड करेंगे, ताकि जो चिकन की करी और जो ग्रेवी है थोड़ा गाढ़ा बने और जो चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आलू को ऐड कर लिया और इसको भी अच्छे से चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके मसाले वसाले लगा लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी देर बाद 15 मिनट से पकने देंगे, उसके बाद इसमें पानी को ऐड करेंगे थोड़ी देर में। तो हम अब इसमें पानी को ऐड कर रहे हैं, अब इसे 20 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो फाइनली हमारा कढ़ाई चिकन रेडी हो चुका है, जो इसका कलर आया है बहुत ही अच्छा कलर आया इसको, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी बताना।